हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बनाएंगे शानदार से छोले भटूरे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक अपना पैन लिया है, सॉस पैन। इसके अंदर हमने डाला है 2 से 3 टेबलस्पून तेल, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारे गरम मसाले। ये हमारे सारे रॉ गरम मसाले हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर हमारा है 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, सिनामिन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। नेक्स्ट हम इसके अंदर हमने यहाँ पे ऐड करी है 1 मीडियम साइज की अनियन। अब इसको हम कलर चेंज होने तक भूनते रहेंगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिलीज भी हमने यहाँ पे 2 से 3 बीच में से स्लाइस करके डाल दी है। आप देख सकते हैं हमारी जो अनियन है वो हल्की हल्की ट्रांसलूसेंट होने लगी है, और यहाँ पे हमारी अनियंस थोड़ी सी ब्राउन हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे मसाले। यहाँ पे हमारे पास जितने भी आपको मसाले दिख रहे हैं सब हमने यहाँ पे 1-1 टेबलस्पून लिया है। सिर्फ हमारा धनिया यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून है, और हमने इसके साथ साथ हींग भी ली है, और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है अमचूर। अब अपने सारे मसाले जो है हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिर्चें हमने आपको यहाँ पे 2 दिख रही थी, 1 कश्मीरी मिर्च है कलर के लिए और दूसरी हमारी नॉर्मल मिर्च है फ्लेवर के लिए। हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 हमने यहाँ पे प्याज को, और 3 से 4 हमारे टमाटर को, और 10 से 15 क्लोव हमने गार्लिक की एकदम इसका पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा ये मसाला तैयार है। इसके अंदर हम अपना ये जो ग्रेवी का हमने अनियंस और गार्लिक को हमने ब्लेंड किया था, हम इसको इसमें डालकर इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे। जब ये कम्प्लीटली भुन जाएगा तो इसके ऊपर कलर आने लगेगा। और नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना नमक के मसाला कभी नहीं भुनता है। हम इसको लो फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा जो ये मसाला है ये रेडी हो गया है। इसको अभी हम थोड़ी देर और हल्के हल्के ऐसे ही भूनेंगे। अच्छे से भुन जाना चाहिए वरना मसालों की स्मेल आएगी और बिल्कुल अच्छा नहीं होता। स्टर करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते रहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं हमारे छोले। ये हमारे 1/3 कप है, यानी कि 1/2 किलो से थोड़े से कम है ये। इनको हमने रात में ओवरनाइट सोक करा था और फिर सुबह हमने इनको बॉईल कर लिया था नमक के पानी में। तो मसाले में भी नमक आप उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पे हम इसको ऐड करके इसको अच्छे से स्टर करेंगे। स्टर कर दिया है। पानी जो हमने डाला है, जो हमने अपना छोलों का पानी था, हमने वही वाला स्टॉक इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा हम बाहर से अकॉर्डिंगली अपने हम इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, जितना आपको थिक और थिन रखना हो। और यहाँ पे हम इसको मैश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़े वो मैशी मैशी अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। इसे कुक करके पकाएंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर डाल रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया। हमारे छोले ऑलरेडी पके हुए थे, मसाला हमने भून लिया है, तो हम इसे कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट्स लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि फ्लेवर्स और अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं।
अब जब तक हमारे वो बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, हम अपने भटूरों का आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है मैदा, और मैदे में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी, हमने यहाँ पे सूजी डाली है 1 टेबल स्पून सूजी, और हमारे इसमें हमने नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हम इसको बहुत टाइट भी नहीं करेंगे और बहुत लूज भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दही। दही हमारी गई है यहाँ पे लगभग 2.5 टेबल स्पून। अच्छे से नीट करेंगे हम इसको। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और अच्छा सा आटा गूंद दीजिए। ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए आटा और ना ही बहुत थिक होना चाहिए, मतलब बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आटा तैयार है, इसको हम रख देंगे 15 मिनट्स के लिए आराम करने, इसके बाद चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने आटे को निकाल लिया है, इसको हम दोबारा से हल्का हल्का तेल लगा के नीट कर लेंगे और हम इसके बाद बनाएंगे भटूरे। देखिए यहाँ पे हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलिए फटाफट से करते हैं अपना भटूरा रेडी। और देखिए यहाँ पे हमने अपना भटूरा बेल कर हमने इसको गरम गरम तेल में डाल दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे, लेकिन तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए। जैसा आपका दिल चाहे, छोटे भटूरे वैसे भटूरे बड़े ही होते हैं, तो बड़े भटूरे बनाइए। हल्के दबाते रहिए और भटूरे हमारे हो जाएंगे रेडी। देखिए यहाँ पे हमारा भटूरा हो चुका है तैयार। अब हम करेंगे इसको सर्व। तो ये हमारे जो है सैलेड है, इसको हमने सैलेड के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।